चाट तो आप बहुत तरीके से खाए होंगे, आइए इस तरीके से एक बार चाट बना के देखते हैं कि कैसे बनता है और कितने यूनिक तरीके से ये चाट कलरफुल और जो बनने में एकदम आसान एकदम नई तरीके से और जो कि घर पे ही मिल जाने वाली ये सामान है। तो आप छोले और चाट हर एरिया के अलग अलग तरीके से होते हैं, सामान वही होता है बट थोड़ा घुमा फिरा के होता है अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से छोले और चाट तो आप बहुत खाए होंगे, एक बार आइए हमारे तरीके से बना के देखिए। और ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तो अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा बट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार बना के देखिएगा कि इस तरीके से यहाँ पे मैंने डाल दिया है उछील कर आलू, नमक, टमाटर, मिर्चा और ये कांदा जो कि मेरा सब छील के डाली हूँ और कांदा भी मुझे छील के डालना है, मैंने छील के डाल दिया है। और ये देखिए मैंने उबाल कर मैं रख ली हूँ, अभी ऐसे मैश हो रहा है ना काबली चना, अभी इसको देखिए ये वाइट चना भी बोलते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ ब्लैक चना का ज़्यादा यूज होता है जो बहुत ही हेल्दी हेल्थफुल होता है, बट ये काबली चना ना मार्केट से आया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा इसका सामान तैयार कर लिया है जो जो भी इस रेसिपी में जाएगा, टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये सारी चीज़ें हैं, जीरा, प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट, हरा मिर्च क्योंकि स्पाइसी बनाना है, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला यानी छोले मसाला और यहाँ पे आलू मटर मैंने ले लिया है। और मैं थोड़ी ही में ही दिखा रही हूँ आप सबको, और आप ना एक दो चार जैसे बनाना चाहो आप बना लो। और थोड़ी सी मैंने लिया है अनारदाना, तो अनारदाना को आपने पहले से ही देखा है मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में डाल दिया है 2 स्पून तेल और 2 से 1.5 स्पून भी डाल सकते हो आप, 1 स्पून अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरा राई शुद्ध है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डालकर उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे साबुत जीरा मैंने यहाँ पे चटकने के लिए रख दिया है, उसके बाद डाला मैंने हरी मिर्च, उससे तुरंत मैंने डाला प्याज जो कि मैंने कटा हुआ बारीक 2 कट करके रखा था और ये 2 डाला था मैंने छोले में। और यहाँ पे देखिए क्योंकि छोले में बता दूँ क्यों डालते हैं, छोले में डालने ना बड़ी मिठास हो जाती है और एकदम गाढ़ा गाढ़ा छोले मतलब बन के रेडी होते हैं। यहाँ पर अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट है, अदरक लहसुन का और 1 रेड मिर्च, तो यहाँ पे पेस्ट मैंने ले लिया है। अब इसको चलाते वलाते थोड़ी सी ब्राउन हो जाए ना तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको डालना है इसी में टमाटर। अब टमाटर चाहे कितना भी ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लिया है सिर्फ 1 टमाटर। यहाँ इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर और इसको भी मैं थोड़ी सी भूनूंगी, उसके बाद डालूंगी मैंने यहाँ पे मिर्चा पाउडर और इसी में डालूंगी मैं अपनी छोले मसाले जो कि ये है चने छोले मसाले एवन रेस्ट का, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपके फ्लेवर घर में खाते होंगे वो आप ले लीजिए यूज करिए। और फिर यहाँ पे चला बला के मैंने थोड़ा सा इसको जैसे ही मतलब मसाला जलने ना पाए उसी छोले का मैंने हल्का सा 1 स्पून पानी डाल दिया था। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है छोले, आलू मटर जो मैं उबाल के रखी थी और यहाँ पर मैं इसको मैश करूँगी और अच्छे से मैश करूँगी और ताकि ये मतलब एकदम अच्छे से भुन जाए। जब भुनने लगो ना तो ये क्या होता है ना कि नीचे से तला अगर पकड़ लेता है ना तो 1 चम्मच आप कोई भी पानी मतलब मैंने गर्म पानी डाला है, अब वो मतलब उससे क्या होता है मसाला अच्छे से भुन जाता है क्योंकि छोले में तो बहुत टाइम लगता नहीं है, बस ताम झाम होती है बट टाइम नहीं लगता बनाने में। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक, फिर मैंने डाला 1 चम्मच पानी और डालने के बाद 2 मिनट तक मैंने इसको ढका और ढकने के बाद बस मेरी छोले रेडी हैं। कितने झटपट बनने वाली, कितनी जल्दी बनने वाली ये छोले हैं। और आप इस तरीके से, वैसे तो काबली चने के छोले भटूरे ज़्यादा बनाए जाते हैं यानी भटूरे के साथ, बट मैंने ऐसे ट्राई किया, मेरे को बहुत ही मतलब पसंद है, खाने का मन कर रहा था छोटा मोटा भूख के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। आप फैमिली के लिए बना रहे हो ना तो थोड़ा सा बचा के रखो शाम के लिए, सुबह के लिए मतलब ऐसे करके। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेरी छोले एकदम रेडी है आपको खिलाने के लिए और मैं भी खाऊंगी, तो बताइएगा आप एक बार बना के कि कैसा है मेरा छोला ये। तो यहाँ पे देखिए काबली चना आलू के छोले स्पाइसी, आपके पास धनिया पत्ती हो तो आप डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मेरे पास नहीं था। और यहाँ पे मैंने डाला है हरी मिर्ची और कांदा यानी प्याज और स्लाइस कट की हुई, और यहाँ पे जो इसका मेन जान है वो है अनारदाना। अनारदाना तो भाई हेल्थ में तो बहुत ही गजब की राजा है ये,
तो अनार दाना डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। या इसके अलावा जो फ्रूट्स आपको पसंद है वो भी ऊपर से टुकड़े करके डाल सकते हो। बट अनार दाना तो मुंह में जाता था ना, तो इतना अच्छा लगता था। आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं पसंद हो तो स्किप कर दीजिएगा। बट बहुत ही टेस्टी बना था दोस्त, एक बार बना के देखिए और आप कहेंगे कि हाँ ये इसकी तो बात ही अलग है। और दोस्तों मेरे चैनल को आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद है तो। नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, क्योंकि चैनल तो ज़बरदस्ती किसी से नहीं सब्सक्राइब किया जा सकता ना, किसी से लाइक नहीं कर किया जा सकता। पसंद आप सबकी, दिखाना और कहना मेरा काम है और करना आपका काम है। अगर अच्छा लगे तो सच में लाइक कीजिएगा। लाइक तो सबको करते हो ना, मेरा नहीं किए हो, कर दीजिए प्लीज़। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।